हमारे पास मिल गया मस्त थार वाला थोड़ा, तो इसे हम क्या करेंगे आपको दिखाता हूँ क्या करते हैं। हथौड़ी तो कोई दूसरा ले लिया यार, तो अभी हमारे पास थार का सेकंड हथौड़ी आ चुका है जो कि उससे भी ताकतवर है, इससे तो और फटाफट तोड़ेंगे। पहले इससे काम करते हैं, आज तो पूरा दिन यहीं पे चले जाएगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी इसमें तो नाश्ता करने बैठ ही रहा था तो भाई डॉगी आ गया फिर के अंदर, तो पहले इसके लिए बिस्किट डालता हूँ और फिर चलते हैं नाश्ता करने। सो डॉगी के लिए बिस्किट यहाँ पे डाल दिए और पानी तो इसको भाई डॉगी को मालूम ही नहीं है, बस यहाँ पे डाल देते हैं। फिलहाल अभी मम्मी जी भी आ गई है, मम्मी जी का काम वगैरह सब कुछ हो गया और मम्मी जी मस्त नाश्ता कर रहे हैं, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं भी करता हूँ। दीदी ने मस्त पोहे बनाए, तो अपना भी नाश्ता आ चुका है और मस्त मम्मी पापा जी के साथ नाश्ता करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है तो अभी चलते हैं और ड्राइविंग स्कूल देख के आ जाते हैं एक बार, पता नहीं खुला है कि नहीं। कि जिम वाले भैया की पहचान थी तो जिम वाला भैया ने कहा हमारे पहचान में गए उनसे बात कर लो बोल के, तो चलते हैं। लेकिन ये एक अच्छा है, घर से नज़दीक है तो आराम से पिकअप भी हो जाएगा हमें, तो डायरेक्ट घर के पास से पिकअप कर लेंगे हमें। तो एक बार देख के आते हैं पहले और फिर कन्फर्म करेंगे। एक्चुअली पापा जी भी चलते हैं लेकिन पापा जी को घर पर काम है कहते हैं, तो पहले हम जस्ट देख के आते हैं, फीस वगैरह पूछ के आ जाएंगे, तो पहले चलते हैं। ड्राइविंग स्कूल तो पहुँच ही गए थे लेकिन ड्राइविंग स्कूल ही बंद है यार, ओपन हो गया। नहीं वापस से घर पे चलते हैं, मुझे तो पहले से ही डाउट था क्योंकि ज़्यादातर सिखाने के लिए सुबह जाते हैं ना, जो भी ड्राइविंग सिखाते हैं सुबह सुबह सिखाते ताकि सुबह ट्रैफिक नहीं रहता है तो आराम से सीख लेते बोल के। तो एक्चुअली हमें दोपहर के टाइम आना था, कोई नहीं अभी वापस से घर पर चलते हैं। लेकिन नंबर तो ले लिया मैंने, नेक्स्ट टाइम से जब भी आएंगे डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, आज दोपहर को कॉल करता हूँ। भाई जी ऐसे ही फुकट में घूम के आ गए, तो इन अंकल एक्चुअली वेटिंग कर रहे हैं, लेबर अंकल है जो कि काम करने वाले हैं और दूसरे जो भी उनके साथी हैं उनके लिए वेटिंग कर रहे हैं भैया, फिलहाल उसके बाद में काम स्टार्ट करेंगे। कोई नहीं पापा जी भी अभी तक घर पे है, पापा जी भी इनकी वेटिंग कर रहे हैं लेबर भैया की, कोई नहीं थोड़ी देर में आ जाएंगे फिर जाएंगे पापा दुकान। दुकान तो बंद है फिलहाल, बोलता हूँ स्कूल तो बंद है फिलहाल। मुझे पहले से डाउट था क्योंकि सुबह सुबह बंद रहता है, अगर हम कॉल करके बोलते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकता, नहीं तो फिर चले जाता है ड्राइविंग सिखाने के लिए। मैं नंबर ले लिया है, कॉल कर लूँगा एक बार, हो जाएगी बात। कोई नहीं खाना वगैरह हो गया दीदी, तो फिलहाल दीदी अपने कपड़े सुखा रही हैं और अभी दो तीन लेबर अंकल और आंटी अभी आ चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर में ऊपर चलते हैं। अभी हमारे फ्लोर पे, हमारे स्टूडियो वाले फ्लोर पे जो भी मैप का काम था आज कंप्लीट कराना है, तो लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अंकल आए नहीं, हमें ही अभी डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ पर जो भी दीवार डलाना है और जहाँ पर जो भी रूम डलाना है हमें डिसाइड करना पड़ेगा। पापा जी सब लोग ऊपर आ गए थे जो भी मैपिंग वगैरह काम कर रहे थे और आज हमारे पास मिल गया मस्त थार वाला थोड़ा, तो इसे हम क्या करेंगे आपको दिखाता हूँ क्या करते हैं। हथौड़ी तो कोई दूसरा ले लिया यार, तो अभी हमारे पास थार का सेकंड हथौड़ी आ चुका है जो कि उससे भी ताकतवर है, इससे तो और फटाफट तोड़ेंगे। पहले इससे काम करते हैं, आज तो पूरा दिन यहीं पे चले जाएगा। पापा जी दिखाते जा रहे हैं, अंकल मस्त ईट से लाइन बनाते जा रहे हैं, यहाँ जहाँ पे दीवार डालनी है और सब कुछ मस्त ईट और सीमेंट से लाइन बना दे रहे हैं ताकि याद रह सके आराम से, तो यहाँ पे बना रहे हैं और एक जगह थोड़े आगे भी बना रहे हैं जो कि यहाँ पे भी बना रहे हैं मस्त ईट वगैरह लगा के, यहाँ पे थोड़ी आएगी ले यहाँ पे फटाफट काम हो जाएगा। तो मैपिंग का काम तो कम्प्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे किचन वगैरह जो भी मैपिंग करनी चाहिए जो भी लाइन बनाए सर भी, और यहाँ पे सब हमारे रूम की भी मैप बन चुकी है, तो यानी स्टूडियो की मैप बन चुकी है यार। वो उधर से वो लाइन लेके ये सारा अपने रूम के अंदर आएगा, यानी अपने स्टूडियो के अंदर आएगा, बार बार रूम कह दे रहा हूँ। स्टूडियो और रूम दोनों हमारे एक ही है, यही पे रहेंगे और यही पे मस्त वीडियो बनाएंगे। फिर दीदी तो ऊपर एक बार भी नहीं यार, दीदी तो मस्त अंदर घर में बैठी है, बाहर भी नहीं दिख रही दीदी। मैं मम्मी और पापा जी तो कब से यहीं पे खड़े, पापा जी को तो दुकान पे भी जाना है काम है, लेकिन पापा जी मेरे रूम के लिए रुके हैं, रूम का भी काम पूरे हो गया तो अभी पापा जा सकते हैं। तो वापस से घर पे चलते हैं, भाई दोपहर के 12 बज चुके हैं, बस मैप में 12 बज गए यार। हम कब आए थे, 10 o'clock से पहले आए थे, 9:30 या 9:40 हो रहा था तब तो आए थे, और अब तो 12 बज गए मैपिंग करके। तो पहले टेप में वापस करके आता हूँ, बाजू वाला अंकल से लेके आया था।
घर में चल के तो पहले हाथ मुंह धोते हैं भाई। बहुत ही पूरे कीचड़ कीचड़ हो गया, शूज पैर वगैरह सब कुछ कीचड़ कीचड़ हो गया। मस्त हाथ मुंह धोते हैं और फिर लंच करते हैं। तो लंच करके दुकान पे चले गए हैं। मैं, मम्मी जी और दीदी फिलहाल लंच कर रही है, क्योंकि दीदी ने मस्त टमाटर सब्जी और रोटी बनाई थी, तो पहले लंच कर लेते हैं भाई। भूख लगी थी तो अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, बहुत ही लेट हो गया। अब मम्मी जी मस्त देखिए थाली में खा रहे हैं, फटाफट से अपना खाना कम्प्लीट करते हैं। मम्मी जी तो मस्त मूवी देख रहे हैं, दीदी अपना गाने में बिजी है। शाम के 4 बज चुके हैं, तो जो सभी अभी मम्मी जी की और पापा जी की पैकिंग कम्प्लीट हुए, जो कि एक बैग और इसके पीछे एक बैग और ये, तो 3 बैग तो हो गए और एक कार्टून भी है, जो कि आपको उस दिन दिखने को मिलेगा, जो कि 2 डेज में जाने वाले पापा जी, तो सुबह सुबह निकलेंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले तो बाहर चलते हैं। मस्त डॉगी भी इंतजार कर रहा है बिस्किट के लिए, तो इसको 1-2 बिस्किट देते हैं भाई। पापा जी भी आ गए अभी, तो एक्चुअली पापा जी पहले भी आ गए थे, पापा जी ने पैकिंग कंप्लीट की, तो अभी जस्ट काम के लिए गए थे बाहर, तो वापस भी आ गए पापा जी। पूरी पैकिंग कंप्लीट करते करते बहुत ही भूख लग गई यार, तो अभी कुछ खाते हैं, जस्ट डिनर करके बस पैकिंग में लग गए हैं। और अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, अब जाके फ्री मिला है हमें, तो मस्त बिस्किट खाते हैं और मम्मी जी के साथ मूवी देखते हैं, जो भी मम्मी जी देख रही हैं। सब लोग रेडी हो गए, मैं, दीदी और मम्मी जी तीनों रेडी हो गए, तो अभी इधर से हम जाने वाले हैं दुकान पे। जल्दी से इसको अपना एक्टिवा सबसे बैठा, ये नहीं है अपनी एक्टिवा भाई, अपनी एक्टिवा तो यहाँ पे है, तो बस चलते हैं अभी दुकान पे। आ गए भाई अपनी कार, तो मस्त सर्विस हो गई, अभी पापा जी लेके आए सर्विस करा के भाई, टायर वगैरह एकदम नए हो चुके, हर अंदर का जो भी सामान निकाल दिया था सभी वापस से सेट करा दिया, सभी सामान अंदर रख दिए। और दीदी डिमांड चलते हैं, बस मम्मी पापा जी तो नहीं आ रहे, बस थोड़े बहुत ही सामान लेके आने हैं गाँव के लिए, तो बस मैं और दीदी जाके आ जाते हैं। चले चले चलते, दीदी ने भी हेलमेट पहन लिया, मैं भी पहनता हूँ, फिर निकलते हैं। बाय मम्मी। दीदी का कपड़ा बाहर और हेलमेट अंदर, नहीं चाहिए, हाँ वापस आने के बाद चाहिए ना, मैं भी भूल जाता हूँ कभी बार, ये हेलमेट को बाहर रखना पड़ेगा भाई, कोई चोर नहीं उठा के लेके गए तो अच्छा है। कोई ना, वैसे तो एक हेलमेट अंदर है और एक वहाँ पर रख दिया, तो अभी चलते हैं डीमार्ट और शॉपिंग करते हैं। थोड़ा चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई वहाँ पे पार्किंग हमेशा फुल रहती है, तो हमने गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दी, अभी चलते हैं। एक्चुअली फॉरगेट कर दिया, दीदी ने गलती से हेडसेट अंदर लेके आ गए, तो कभी कभी मना करते हो आप हेडसेट के लिए, तो हेडसेट वापस से डिक्की के अंदर डाल देंगे, और चलते हैं। दीदी भूल गई थी एक्चुअली, तो कोई नहीं अंदर रखते हैं और फिर चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं। अगर कंप्लीट तो हो गई, तो बस बिलिंग के लिए वेटिंग कर रहे हैं, जैसे ये लाइन खाली होते हैं फिर हम चलते हैं, फटाफट से अपने सामान की बिलिंग कराते हैं। तो बिलिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, तो अभी बाहर चलते हैं भाई, यहाँ पे हमें बिल पूछेगा तभी बाहर जाने देंगे आंटी जी, वरना जाने ही नहीं देंगे। दो बिल दो, तो सब कुछ आ चुका है, तो अभी घर पे चलते हैं। दुकान पर तो पहुँच गए, बस मैं मम्मी जी पॉपकॉर्न खा रहे भाई, तो भी थोड़ा बहुत लेके आए, डी मार्ट के बाहर स्टॉल था यार, तो वहाँ से लिया। लेकिन एक ही पैकेट लेके आए, ज़्यादा लेके नहीं आए, तो उससे पेट ही नहीं भरता है। दुकान पर आ ही गए थे, तो मैंने सोचा कि भाई आज ही हेयर कट करा लेते हैं, पापा जी के साथ सस्ते में अपना भी काम बन जाएगा, तो फिलहाल अंदर चलते हैं और बस हेयर कट करा लेते हैं। पापा जी की हेयर कटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, मुझे पता नहीं यार अपनी कब स्टार्ट होगी, वैसे तो ज़्यादा कुछ कटिंग कराना नहीं है, बस थोड़े थोड़े बाल कटिंग कराने हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े बढ़ चुके हैं, उसको कटिंग कराइंग वगैरह तो हो गई। पापा जी तो कभी ही हो गए थे, तो पापा जी तो कभी आ गए थे, मैं तो जस्ट अभी अभी आया हूँ, तो यहाँ से तक घर पे चलते हैं, फ्रेशअप वगैरह होते हैं। तो आ गए थे भाई, मस्त नहाना वगैरह कर लिया, अभी एकदम फ्रेश फीलिंग आ रही है, तो अभी निकलते हैं। आज का प्लान मस्त डिनर बाहर करने का ही है, तो भैया और भाभी भी आ रहे हैं वहाँ पे, तो पहले तो चलते हैं रेस्टोरेंट पे। गए थे तो पापा जी फिलहाल कार की चाबी लेने गए हैं, फिर यहाँ से कार में चलते हैं, तो भाई वापस आते आते तो बहुत ही ठंड लगने वाली है, ऐसे थोड़ी दूर गिरता है तो वापस आते तो थोड़ी देर हो सकता है, इसलिए कार लेके चलते हैं ताकि आराम से वापस आ सके। और फोन में चार्जिंग भी भाई मेरा ना 5% बचा है, मैंने दीदी को कहा था घर पे जाते पहले फ़ोन चार्जिंग में डालना, तो दीदी तो भूल गई, इसलिए मुझे चार्जर केबल लेके आना पड़ा, बस कार में थोड़ी देर चार्जिंग कर लेंगे, तभी चलते हैं। आ चुके हैं एग्जैक्टली ओम भैया की कार है, तो अभी अंदर चलते हैं, मम्मी पापा जी तो ऑलरेडी जा रहे हैं।
सो डिनर वगैरह तो कंप्लीट हो गया, अभी बाहर चलते हैं। हमने मस्त शेक्स ऑर्डर करी थी यार, तो शेक्स तो अंदर आए नहीं, हम लोग बाहर ले जाते हैं, बाहर ही और पापा जी तो अपने कंप्लीट भी कर ली, क्योंकि पापा जी फिलहाल ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहे होंगे। रात में तो भाई फोन स्विच ऑफ ही हो गया था, जैसे मैंने कहा था फोन में बहुत ही कम चार्जिंग थी, तो कार में स्विच ऑफ हो गया, तो घर पे आकर फटाफट फोन को चार्ज में डाला और बस सो ही गया, फिर नींद खुली नहीं। तो अब खुली है क्योंकि सुबह की 6:45 बज रहे हैं। फटाफट से व्लॉग को एंड करते हैं, फिर नया व्लॉग भी स्टार्ट करना है, एडिटिंग वगैरह भी कंप्लीट करनी है, फटाफट से एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करता हूँ और फिर अपलोड कर देता हूँ। तो अभी के लिए व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आप व्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते ही गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय। अभी फिलहाल हमारे साथ ही चल रहे हैं, लेकिन आगे से डिवाइड हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में चले जाएंगे और हम राइट साइड में चले